नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड अनबॉक्सर में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है अपने एक एक कदम बढ़ाते हुए अपनी सफलता की ओर अग्रसर हैं और हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में मुगल काल पढ़ रहे हैं। मुगल काल में हमने जो है बाबर को पढ़ लिया था, हुमायूं को पढ़ लिया था, आज हम अकबर को पढ़ेंगे। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि जोधा बाई जो थी वो अकबर की पत्नी नहीं थी, इसका राज हम जो है आपको आज बताएंगे कि अकबर की पत्नी जोधाबाई कैसे नहीं थी। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा शुरू से लेकर के अंत तक। तो आज हम चलते हैं अपने मुगल काल के अगले बादशाह अकबर की तरफ। और अकबर को जो है महान राजा कहा जाता था। हमारे इतिहास में तीन ही महान राजा हुए हैं, एक अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और तीसरे जो महान हुए हैं अशोका द ग्रेट। तीन ही महान शासक हुए हैं जिनके पहले महान शब्द लगा हुआ है। तो अकबर में देखिए, अकबर को जो महान कहा गया वो क्यों कहा गया, जब और अकबर जाति प्रथा जो हमारा जो है क्या कहते हैं दास प्रथा थी, जजिया कर था, तीर्थ यात्रा कर था, जब इसी सब को अकबर ने हटा दिया था जनता के ऊपर से, तो जनता ने खुश होकर इन्हें अकबर कहा था। जनता ने खुश होकर इन्हें क्या कहा था, अकबर कहा था। आज आपको दो राज मिलेंगे, एक राज तो ये कि जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी, और दूसरा राज ये मिलेगा कि अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन नहीं था। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों चीजें साबित होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो मुगल काल हमारा होता है 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक का काल मुगल काल कहलाता है, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक मुगल काल का उत्थान और एक है मुगल काल का पतन। उत्थान की बात करें तो 1526 ईस्वी बाबर से लेकर के औरंगजेब तक 1707 ईस्वी तक लगातार जो है हमारा मुगल काल जो है अपनी चरमोत्कर्ष पर बढ़ता रहा। और वही आखिरी में 1707 के औरंगजेब की मृत्यु के बाद वही मुगल काल धीरे धीरे क्षय होता गया, पतन होता गया, और 1857 तक ये पतन चलता रहा। और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था, जिसको रंगून भेज करके हत्या करवा दी गई थी, वहीं पर जाकर के मुगल काल हमारा समाप्त होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था, और कहां पर हुआ था, अमरकोट के राजा बीर साल के यहां हुआ था। बीर साल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था। और होता क्या है कि चूंकि 1542 ईस्वी में, यानी कि जब 1540 ईस्वी में हुमायूं भारत छोड़कर जाता है, तो अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ शरण लेता है। वहीं पर जो है इन्होंने शादी की थी, और जो है वहीं पर इनको पुत्र प्राप्त हुआ, और जिसका नाम अकबर रखा गया। लेकिन चूंकि इसका नाम अकबर पहले नहीं रखा गया, इसके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था बदरुद्दीन। गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल भी बताता है जलालुद्दीन, लेकिन अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। जब अकबर जो है चार वर्ष का हो गया तो इसका नाम पड़ता है जलालुद्दीन। वहीं पर उसके बाद जब अकबर 13 वर्ष का हो जाता है, तो 13 वर्ष की आयु में जब ये शासन संभालता है, जब ये गद्दी पर बैठता है, राज्याभिषेक करता है, तो जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से करता है, जलालुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद जब ये जनता के ऊपर से जजिया कर, दास प्रथा और तीर्थ यात्रा कर को जब समाप्त कर देता है, तो इसका जो नाम था वो जनता ने क्या दे दिया, जनता ने इसमें टाइटल दे दिया अकबर, और ये क्या बन जाता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो आज एक राज तो खत्म हो गया कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, उसके बाद इसका नाम जलालुद्दीन पड़ा, उसके बाद इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद, और उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पड़ता है। आज चलते हैं उसके बाद, अब हम चर्चा करते हैं 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, हमने बताया था कि हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई थी, और इतिहासकार ने
हुमायूं को कहा भी था कि जिस प्रकार से या लुढ़क लुढ़क कर जिया उसी प्रकार से लुढ़क लुढ़क कर मर गया। आपको एक बात बता दी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा घंटी वाली बटन जरूर दबा दीजिए। अगर आपको फायदा ना हो तो दो दिन बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अकबर जो है जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में, तब उस समय अकबर कहाँ था। अकबर की उम्र तो 13 वर्ष थी ही, लेकिन अकबर उस समय एक मिशन पर गया था। कहाँ पर? पंजाब के गुरदासपुर में। पंजाब के गुरदासपुर में एक काला नौर नामक स्थान है। पंजाब के गुरदासपुर में काला नौर नामक एक स्थान है, वहीं पर अकबर एक मिशन पर था। और अकबर एक मिशन पर था और वो मिशन कौन सा था? अफगानियों के साथ अभियान था। किसके साथ? अफगानियों के साथ। अफगानियों के साथ एक अभियान पर था। और अकबर के साथ कौन था? तो अकबर के साथ था बैरम खान। बैरम खान कौन था? बैरम खान जो था वो हुमायूं का कटप्पा की तरह जो है ईमानदार और कटप्पा की तरह कर्तव्यनिष्ठ एक वजीर था, एक सेनापति था। तो अकबर जो था वो बैरम खान के साथ गुरदासपुर यानी कि गुरदासपुर के काला नौर में अफगानियों के साथ विद्रोह पर था, मतलब कि अभियान पर था। वहीं पर जब इसको पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में, तो वहीं पर इसने जो है राजा की मतलब कि इसका जो है राज्याभिषेक कर दिया जाता है। उसके बाद जब इधर पता चलता है कि दिल्ली पर कोई नहीं है, तो एक राजा हिंदू राजा हुआ करता था जिसका नाम था हेमू। एक हिंदू राजा हुआ करता था जिसका नाम था हेमू। उसने सोचा कि क्यों ना हम दिल्ली पर अधिकार कर लें। तो चलिए हम 2 मिनट हेमू के विषय में बताएंगे कि हेमू क्या था, क्यों था, कैसे था। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि हेमू क्या था, क्यों था, कैसे था। इसको हम यहीं पर रोकते हैं और हेमू के विषय में देखते हैं। हेमू जो था हमारा, हेमू की बात अगर की जाए, हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक कौन था? 14वां शासक कौन था? तो 14वां शासक हेमू था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक हेमू था, जिसका नाम था हेमचंद विक्रमादित्य। जब इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली तो इसका नाम पड़ जाता है हेमचंद विक्रमादित्य। और ये अंतिम हिंदू शासक था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला। अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो अंतिम हिंदू शासक दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य, अर्थात हेमू था। उसके बाद देखिए होता क्या है कि ये लिया क्यों जाता है, विक्रमादित्य उपाधि आखिर है क्या। तो हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, 57 BC में चलते हैं। 57 BC में चलते हैं तो 57 BC में उज्जैन का एक शासक हुआ करता था। 57 BC में उज्जैन का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमादित्य। जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य था। जिसका नाम विक्रमादित्य था और इसी ने जो है विक्रम संवत चलाया था। विक्रम संवत चलाया था। तो विक्रम संवत किसने चलाया था? विक्रमादित्य ने चलाया था। कब चला था? 57 BC के आसपास चला था। और देखिए होता क्या है कि विक्रमादित्य आखिर जो विक्रमादित्य था ये कौन था? ये हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और क्यों धारण की थी? क्योंकि जो है ये शकों को पराजित कर दिया था। शकों का पूरी तरह से जब अंत कर दिया जाता है, मतलब जब किसी एक वंश का पूरी तरह से विनाश कर दिया जाता है, तो जो राजा होता है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। वही हुआ क्या कि 57 BC में विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने जो है शकों को जब पूरी तरीके से पराजित कर दिया तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। होता क्या है कि गुप्ता काल में 319 से लेकर के गुप्ता पीरियड जो हमारा था 319 से लेकर के 540 ईस्वी तक का जो समय हुआ वो हमारा गुप्ता
पीरियड हुआ, इसी के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे हमारे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनके जो पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती, इनकी पुत्री का नाम प्रभावती था। और प्रभावती जो थी वो का मतलब कि वाक्टक वंश के राजा एक थे, वाक्टक वंश के, तो वाक्टक या फिर वाकाटक कहीं कहीं लिखा रहता है, जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय। तो प्रभावती जो थी वो रुद्रसेन द्वितीय से बहुत प्यार करती थी, और रुद्रसेन द्वितीय कौन था, ये दक्षिण भारत का राजा था, दक्षिण भारत का शासक था कौन, रुद्रसेन द्वितीय था, इससे ये प्रेम करती थी। लेकिन वहीं पर रुद्रसेन थर्ड भी था, रुद्रसेन थर्ड। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, रुद्रसेन थर्ड जो है इससे प्यार करता था, लेकिन रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये एक तरफा प्यार था इसका। तो ये जो है रुद्रसेन तृतीय जो था, ये इसको जो है उठा कर लेकर चलाया प्रभावती को, इसी से नाराज होकर के विक्रमादित्य जो था वो रुद्रसेन तृतीय जो कि शक वंश का राजा था, किस वंश का, शक वंश का राजा था, और इसको हाथ मार करके शक वंश का पूर्णतः नाश कर देता है, और जब शक वंश का पूर्णतः नाश हो जाता है तो पहली बार इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और उसके बाद आखिरी बार चंद्रगुप्त मतलब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो वो विक्रमादित्य था जो कि 14वां शासक था, और दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली के सिंहासन पर अंतिम जो हिंदू शासक था वो कौन था, वो क्या कहते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य था। तो चलिए ये चीज थी विक्रमादित्य के विषय में। अब हम चलते हैं अकबर के विषय में। तो अकबर को हमने 1556 ईस्वी में छोड़ा था, जो कि पंजाब के गुरदासपुर में इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। तो वहीं से हम आगे चर्चा करते हैं, जब इसको पता चलता है कि हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया है, अर्थात दिल्ली में हेमू ने कब्जा जमा लिया है, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। ठीक, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है, जो किसके किसके बीच में होता है, हेमू और अकबर के बीच में होता है। और अकबर की तरफ से लड़ता कौन है, अकबर की तरफ से लड़ते हैं बैरम खान। इसमें हेमू पराजित हो जाता है और बैरम खान जीत जाता है। कहते हैं कि हेमू जो है, हेमू युद्ध हारता नहीं, इसके आंख में एक तीर लग जाती है, जिसकी वजह से हेमू युद्ध हार जाता है। तो हेमू युद्ध हार जाता है। इसके बाद देखिए 1556 ईस्वी से लेकर के 1560 ईस्वी तक, चूंकि अकबर की उम्र इस समय कितनी थी, अकबर की उम्र 13 वर्ष थी, तो 1556 ईस्वी से लेकर के 1560 ईस्वी तक जो अकबर था, अकबर की जगह पर शासन बैरम खान करता था। ठीक, अकबर जो था वो किसके नाम पर शासन करता था, तो बैरम खान के नाम पर शासन करता था, तो 1556 ईस्वी से लेकर के 1560 यानी कि 4 वर्षों तक अकबर जो था वो बैरम खान के शासन मतलब बैरम खान के नाम पर शासन करता है। उसके बाद 1560 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है, तिलवाड़ा का युद्ध जिसको कहते हैं, और कहा जाता है कि कोई भी ज्यादा समय तक वफादार नहीं रह पाता, क्योंकि वफादारी एक ऐसी गुण है, वफादारी एक ऐसा चीज है, ऐसी क्वालिटी है जो सब में और हमेशा नहीं रहती है, कभी ना कभी उसकी नजर बदल ही जाती है। तो वही हुआ कि बैरम खान तिलवाड़ा का युद्ध जो लड़ा जाता है, तिलवाड़ा का युद्ध जो लड़ा जाता है
भीलवाड़ा का युद्ध बैरम खान और अकबर के बीच में लड़ा जाता है। किसके किसके बीच में? बैरम खान और अकबर के बीच में लड़ा जाता है। कब? 1560 ईस्वी में। जो कि कटप्पा की तरह वफादार था बैरम खान, इसके मन में भी खोट आ गया। और जब खोट आ गया तो जहां पर खोट आ जाता है वहां पर जो वफादारी होती है वो टिकती नहीं है। वही हुआ कि जब तिलवाड़ा का युद्ध हुआ 1560 ईस्वी में अकबर और बैरम खान के बीच में, तो इसमें जो है अकबर की जीत हो जाती है, बैरम खान पराजित हो जाता है। लेकिन अकबर जो था वो बैरम खान को जान से नहीं मारता है, अकबर बैरम खान को क्षमा कर देता है। और इसका जो पुत्र था, इसके पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम खान ए खाना, इसका पुत्र था अब्दुल रहीम खान ए खाना। इसको जो है अपने दरबार में रख लेता है और बैरम खान को भेज देता है कि जाइए आप हज यात्रा पर चले जाइए। इसको हज यात्रा पर भेज देता है। इसके बाद होता क्या है? इसके बाद जो है अकबर अपने दरबार में, जो अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, इसको जो है अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर जो है अपने दरबार में शामिल कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि अकबर जो है, चूंकि अनपढ़ था, अकबर पढ़ा लिखा तो था नहीं कि अकबर पढ़ा लिखा था, तो होता क्या है कि अकबर जो था, एक मिनट सही डाल लें, तो अकबर तो चूंकि पढ़ा लिखा था नहीं, तो इसके बाद 1560 ईस्वी में जब बैरम खान को भेज देता है, तो 1560 ईस्वी से लेकर के 1562 ईस्वी तक इसकी जो दाई माँ थी, इसकी जो दाई माँ थी जिसका नाम था माहम अंगा, ठीक, इसकी जो दाई माँ थी माहम अंगा, वो शासन करती हैं। और चूंकि अकबर अनपढ़ था, अकबर पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए इसको इतना ज्ञान नहीं था कि हम शासन करें किस तरह, तो इसीलिए माहम अंगा इसकी जो दाई माँ थी उसकी सरकार रहती है। और इसी 1560 से 62 वर्ष की जो अवधि थी, इसी को कहते हैं पेटीकोट शासन, पेटीकोट शासन या पर्दा शासन, ठीक। तो क्वेश्चन अगर बने कि पर्दा शासन क्या था, कि मतलब किसके समय में था, या पेटीकोट शासन क्या था, किसके समय में था, तो वो किसके समय में था, इन्हीं के समय में था। उसके बाद देखिए कि अकबर ने अपना पहला आक्रमण जो किया था, फर्स्ट आक्रमण, अकबर ने जो पहला आक्रमण किया था 1561 ईस्वी में करता है, फर्स्ट आक्रमण 1561 ईस्वी में करता है, जिसमें अकबर खुद स्वयं अपने दम पर जो है लड़ता है। वो किसके खिलाफ था? मालवा के राजा पर जो है अपना आक्रमण करता है। और मालवा का राजा कौन था? बाज बहादुर था। मालवा का राजा बाज बहादुर था। अकबर अपने दम पर जो पहला शासन करता है, पहला युद्ध लड़ता है, वो मालवा के शासन बाज बहादुर पर करता है। और अकबर जो है इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। इसके बाद यह जो है आगे बढ़ता है, क्योंकि अकबर अब अपनी जो भूमि है, अपनी भूमि मजबूत करना चाहता है, अपना राज्य विस्तार करना चाहता है, तो इसी बार मालवा के आगे बढ़ता है और ये अजमेर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? अजमेर पहुंचता है। और अजमेर यानी कि कहां पे है? राजस्थान में। अजमेर पहुंचता है, राजस्थान पहुंचता है, और वहां के जो राजा थे आमेर के राजा भारमल की पुत्री के साथ विवाह कर लेता है, जिसका नाम क्या था? हरखाबाई था। 1561 ईस्वी में हरखाबाई से विवाह कर लेता है। और जो थी कौन? आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। तो देखिए हरखाबाई ही आगे चल के मरियम उज जमानी कहलाती है। कौन? हरखाबाई। और हरखाबाई चूंकि आमेर की राजा थी,
वो हरखा बाई जो थी वो कहां की आमेर की राजकुमारी थी, जोधपुर जिसको बोलते हैं। तो चूंकि अकबर की पत्नी का नाम जो है जोधा बाई नहीं था, वो नाम था हरखा बाई, और अकबर चूंकि ये जोधपुर की राजकुमारी थी इसलिए अकबर इनको प्रेम से जोधा जोधा कह के बुलाता था। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर जोधा बाई पत्नी किसकी थी। अगर इसमें यह पता चलता है कि अकबर की पत्नी का नाम जोधा बाई नहीं था, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि अकबर की पत्नी का नाम जोधा बाई नहीं था, तो जोधा बाई किसकी पत्नी का नाम था। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, तथा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और आपको एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आप अगर हिस्ट्री की पूरी क्लास देखते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।